तो दोस्तों आमिर खान की लाल से किचंडा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन के बाद अब विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर भी ठंडे बस्ते में जाने की तैयारी कर रही है। बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त कोई भी फिल्म नहीं चल रही, बड़े बड़े सितारों की उम्मीदों पर बस पानी ही फिर रहा है। साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की लाइगर सिनेमाघर में रिलीज हुई है। इस फिल्म को देखने के लिए अब ऑडियंस तक नहीं पहुँच रही। इस फिल्म से विजय ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। विजय का साउथ में बोलबाला, लेकिन लगता है कि उनके लिए बॉलीवुड कुछ खास अच्छा साबित नहीं हुआ। फिल्म ने पहले दिन अच्छी कमाई की, लेकिन दूसरे ही दिन फिल्म की कमाई आधी होगी। हालांकि तीसरे दिन कमाई के आंकड़ों में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती, लेकिन चौथे दिन के आंकड़ों ने फिर से मेकर्स को निराश कर दिया है। लाइगर के रिलीज के पहले दिन 15.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, दूसरे दिन 7.7 करोड़ रुपए का, तीसरे दिन कमाई घटकर 6.95 करोड़ पर आ गई और रविवार को फिल्म ने 5.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। 5 भाषाओं के साथ मेकर्स ने लाइगर को देश भर के लगभग 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया, लेकिन कमाई के मामले में ये फिल्म फुस साबित हुई। फिल्म की ओपनिंग बेशक शानदार है, लेकिन दूसरे दिन अभी तक के हालात कुछ खास नहीं रहे। बॉक्स ऑफिस पर हर फिल्म के लिए पहला वीकेंड काफी खास होता है, लेकिन लाइगर शनिवार और रविवार दोनों ही दिन दर्शकों को सिनेमाघर तक खींचने में नाकामयाब रही है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये फिल्म ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर सकती है, आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप अगर विजय देवरकोंडा के फैन है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ये भी बताएं कि 5वें दिन ये मूवी कितनी कमाई कर सकती है। एस्टिमेट तो ये है कि ये 2 से लेकर 3 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।